जो गलतफहमी हमारे पेरेंट्स को आजकल विद ड्यू रिस्पेक्ट वो ये है कि आपने स्कूल में बच्चे को सुबह 8 बजे ड्रॉप कर दिया और 2 बजे जाके पिक कर लिया और आपका काम पूरा हो गया। हमारे मुल्क में कराची कोई फेस्टिवल होता है, फूड फेस्टिवल, में किसी फेस्टिवल का नाम नहीं लूँगा, वहाँ रश ज़्यादा होता है किसी लिटरेचर फेस्टिवल में रश ज़्यादा होता है। कि जो एक बच्चा है ना वो एक दो पिलर्स के दरमियान है, एक टीचर और एक पेरेंट। एजुकेशन जिसका बुनियादी हदफ था कि वो बच्चों को फैसिलिटेट करे, एजुकेशन का बुनियादी मकसद ये था कि वो बच्चों से निकलवाए, लेकिन अगर देखा जाए तो एजुकेशन निज़ाम खाली बच्चों के जहनों को फीड कर रहा है, और वो भी क्या फीड कर रहा है, वही सारी ट्रेडिशनल बातें जो आज से सदियों पहले पढ़ाई गई, कोई अपग्रेडेशन नहीं है, मतलब कोई अपडेट नहीं है। स्कूल्स को भी पता है, इनफैक्ट असातिज़ा को भी पता है कि रियलिटी क्या है। अगर स्कूल्स इतनी भारी मकदार में फीसेज ले भी रहे हैं तो वो क्यों प्रैक्टिकल एजुकेशन पर काम क्यों नहीं कर रहे? व्हाट डू यू थिंक? समझ, देखें, मेरा ख्याल ये है कि स्कूल्स जो है वो प्राइमरीली दे आर मोर देन प्लेसेस टू लर्न। अगर आप ये समझ लें कि आपका बच्चा वहाँ पे जाके सिर्फ किसी फ्यूचर स्किल्स करिकुलम को फॉलो कर रहा है तो दैट इज़ नॉट एनफ। आज के दौर की अगर आप बात करें, मुझे नहीं मालूम कि टू बी वेरी ऑनेस्ट कि आप कौन से स्कूल्स को रेफ़र कर रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप आज के मॉडर्न दौर के स्कूल की बात करें तो दे आर ऑफरिंग फार मोर दैन द ब्रेक एंड मॉर्टर स्कूल। उससे बढ़ के अब बात हो रही है, करिकुलम से बढ़ के बात हो रही है, स्कूल्स स्किल डेवलपमेंट के ऊपर आ रहे हैं, स्कूल वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के ऊपर आ रहे हैं, स्कूल जो है वो कम्युनिकेशन स्किल्स के कोर्सेज अब ऑफर कर रहे हैं, पार्ट ऑफ करिकुलम बना लिया गया है। जहाँ तक आपने बात की पेरेंट्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि पेरेंट्स की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो स्कूल से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा ऑगमेंट हो गई हैं पहले के मुकाबले में, और उन्होंने जो उनकी अपनी जिम्मेदारियाँ थी वो भी स्कूल के ऊपर डाल दी हैं। तो वहाँ मुझे लगता है कि जब तक तीनों स्टेक होल्डर्स, दैट इज़ द पेरेंट, टीचर एंड स्टूडेंट, जब तक वो एक पेज के ऊपर नहीं आके काम करेंगे, अपनी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं करेंगे, तो स्कूल का जो, जिसको आप कहते हैं ना स्कूल, वो एक इमारत नहीं है। स्कूल ये तीनों स्टेक होल्डर्स मिल के बनाते हैं। जो गलतफहमी हमारे पेरेंट्स को आजकल विद ड्यू रिस्पेक्ट वो ये है कि आपने स्कूल में बच्चे को सुबह 8 बजे ड्रॉप कर दिया और 2 बजे जाके पिक कर लिया और आपका काम पूरा हो गया, घर पर ट्यूशन टीचर आ गया आपका, बच्चे को वो लाइफ स्किल्स, उसकी वो जो उसके एथोस हैं, जो उसकी मोरल वैल्यूज़ हैं, जो उसका, यानी बच्चे को अगर आप कहते हैं कि कल को उसने आपके पाकिस्तान के लैंडस्केप में या दुनिया में कहीं जाके इंटेलिजेंशिया का हिस्सा बनना है, वो बन ही नहीं सकता, क्योंकि आपका अपना रोल नहीं। आपकी बात बिल्कुल सही है, पर अगर मेरे हिसाब से अगर स्कूल्स वो काम कर रहे होते हैं जो काम करने की ज़रूरत है, आप मुझे एक बात बताओ, मैं आपसे सवाल कर लेता हूँ। हमारे मुल्क में कराची कोई फेस्टिवल होता है, फूड फेस्टिवल, में किसी फेस्टिवल का नाम नहीं लूँगा, वहाँ रश ज़्यादा होता है किसी लिटरेचर फेस्टिवल में रश ज़्यादा होता है? प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इंटेलेक्ट माशरे में कम होता जा रहा है, लोग कॉन्सर्ट्स की तरफ जाते हैं, लोग एंटरटेनमेंट चाहते हैं। अच्छा, ये वैल्यूज आई कहाँ से? सही, एक घर भी एक काम कर रहा है, मैं एग्री करूँगा पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है, बट स्कूल्स ने भी तो वैल्यूज पे काम करना है। मेजॉरिटी कॉलेजेस के अंदर लर्निंग कॉन्फ्रेंसेज नहीं है, जो आप बात करें स्किल्स पर वो काम नहीं है, लेकिन हाँ फेवरेल बड़ी ज़बरदस्त होगी, हाँ कॉन्सर्ट बड़ा ज़बरदस्त होगा, कवालियाँ हो रही हैं। अच्छा, ये कवालियाँ क्या जहनी तौर पर क्या बच्चे को कहीं पहुँचा रही हैं? क्या बच्चे को कोई वजन दे रही हैं? वालदैन फीसेस किस चीज़ के लिए दे रहे हैं? वालदैन ने तरबियत के लिए, कि स्कूल्स के अंदर भी तरबियत का माहौल हो, इंटेलेक्ट हो, वैल्यूज़ हो। आज के बच्चे क्या वैल्यूज़ उठा के देख लें यार, मतलब हर कोई कहता चल रहा है पहले के जो बच्चे थे ना वो थोड़े से मतलब इखलाक का ख्याल रखते थे, लेकिन आज का बच्चा तो बहुत बदतमीज़ हो गया है, मतलब वो वालदैन का एहतराम नहीं कर रहा। अच्छा, ये देख कहाँ रहा है स्कूल के अंदर कहीं ना कहीं वैल्यूज़ हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि वैल्यूज़, एथिक्स, इस पर कोई ख़ास काम नहीं किया जा रहा। समझ, देखें, मैं पार्शियली आपके साथ ज़रूर एग्री करूँगा कि देखें प्राइवेट स्कूल्स की अगर आप बात करें या प्राइवेट कॉलेजेस को आपने रेफ़र किया, तो वहाँ पे कोई एक यूनानिमस बॉडी मौजूद नहीं है जो उनको गवर्न करे। पाकिस्तान एज अ डेवलपिंग कंट्री यकीनी तौर पे जब एजुकेशन नहीं दे पाया, आपने देखा कि 22.5 मिलियन बच्चे हमारे स्कूल से बाहर हैं, तो हुकूमत को भी ऐसा लगा कि उनका काम प्राइवेट स्कूल्स ने, कॉलेजेस ने, यूनिवर्सिटीज़ ने जो काम उनको करना था उसका बेड़ा इन इदारों ने उठा लिया, तो वो थोड़ा सा वहाँ पर रिलैक्स हो गए। अगर हमारे यहाँ थोड़ी सी इसमें स्क्रूटनी की जाए और तालीमी इदारों को ये देखा जाए, हम भी, आपको पता है, फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्शियम हमारी एनुअल समिट्स होती हैं, हमारी टीचर्स कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, हम बात करते हैं लर्निंग पेडागोजीज के ऊपर, हम बात करते हैं कि आज के डिजिटल एरा में बच्चे को कहाँ पे जाने देना है और कहाँ जाने से रोकना है, तो ये वो बातें हैं कि जिसको अगर हमारे स्कूल्स भी ऑप्ट करें, और जैसा कि आपने निशानदेही की बिल्कुल कवाली नाइट से लेके या इस तरह के इवेंट्स के जो हमारी इस्लामिक वैल्यूज़ के भी खिलाफ हैं और जो हमारी माशरती वैल्यूज़ हैं उनके भी खिलाफ हैं, उनको हमें
हमें ज़रूर कर्टेल करने की ज़रूरत है। मैं फिर ये बात कहना चाहूँगा कि देखें पेरेंट्स जो आपका ये प्रोग्राम इस वक्त सुन रहे हैं, जहाँ तक बात जा रही है, उनको इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि दे शुड कीप एन आई व्हाट देयर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज ऑफरिंग टू देयर चिल्ड्रन। जब तक वो इस बात पर नज़र नहीं रखेंगे तो अकाउंटेबिलिटी टू वे होगी हमेशा। पेरेंट्स को जो अपना रोल है वो पीटीएम से बढ़ के कुछ लेकर आना है। यहाँ पर आके आपका फ़र्ज़ पूरा नहीं हो जाता कि हर 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आप पेरेंट टीचर मीटिंग में गए, आपने जाके बच्चे का प्रोग्रेस लिया और आप घर पे आके खुश हो गए। मेरा ख्याल है कि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट, स्कूल की इन्वॉल्वमेंट और बच्चे की इन्वॉल्वमेंट, जब ये तीनों लोग मिलकर इन्वॉल्व होते हैं तो हम चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हैं। जहाँ तक आपने बात की को करिकुलर स्कीम, तो उसके अंदर एंटरटेनमेंट का एलिमेंट जो है उसको मेरा ख्याल है कि हमें माइंड साइंसिस की तरफ लेके जाना चाहिए, बच्चों को फिजिकल स्पोर्ट्स की तरफ लेके जाना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कॉन्सर्ट्स की और कव्वालियों की, एज एन इंडिविजुअल एंड इवन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ आर कंसोर्शियम, मैं तो इसके सख्ती से खिलाफ हूँ कि इन चीज़ों को हमें अवॉइड करना चाहिए। आपने भी बड़ी खूबसूरत बात की कि पाकिस्तान अकेडमिक कंसोर्शियम, आप खुद भी कॉन्फ्रेंसेस करा रहे होते हैं, इवेंट्स करा रहे होते हैं, बट अगर देखा जाए आप साल में 2 कॉन्फ्रेंसेस करा रहे होते हैं, सही उससे आप एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहे होते हैं। मैं पिछले 10 साल से इंडस्ट्री के लिए काम कर रहा हूँ, बीन टू अ लॉट ऑफ स्कूल्स फॉर टीचर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अगर देखा जाए साल में बस एक दफ़ा टीचर ट्रेनिंग करा दी जाती है जून जुलाई के अंदर, पूरा साल टीचर जो पढ़ा रहा है, मतलब पूरा साल टीचर जो लगा हुआ है मेहनत कर रहा है, लेकिन कोई अगर देखा जाए प्रैक्टिकली यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द स्कूल्स के पास ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट नहीं है। समझ में आपकी बात, कोई काउंसलिंग नहीं है, कोई काउंसलर नहीं है हमारे स्कूल्स में। मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करूंगा कि देखिए जहाँ जो चीज़ कमी है हमें उसको डिफेंड नहीं करना चाहिए, कि टीचर्स की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। Exactly. वो साल में कोई एक कॉन्फ्रेंस या कोई एक रिफ्रेशर कोर्स उसको पूरा नहीं कर सकता। अगर बच्चा रोजाना जो है वो 360 दिन जाके 365 दिन स्कूल में जाकर सीख रहा है, तो टीचर का भी कोई लर्निंग मॉडल होना चाहिए, क्योंकि दुनिया चेंज हो रही है। आप ये देखिए कि इन्फॉर्मेशन एरा है, डेटा का दौर चला गया, नॉलेज का एरा है ये, तो हर तरफ हमें चाहिए कि टीचर्स की इंप्रूवमेंट के लिए काम किया जाए। और मैं यकीनी तौर पर जब भी हम बात करते हैं किसी फोरम पे, तो स्कूल से कॉलेजेस से जिनको हम कहते हैं जो लीडर्स हैं, जो वहाँ पे शो को रन कर रहे हैं, हम उनसे यही कहते हैं कि आप अपने आप को, अपने टीचर्स को जो आपके असातिज़ा हैं, जिन्होंने, जिनको हम कहते हैं वो नेशन बिल्डर्स हैं, आपने अपने बच्चों का मुस्तकबिल, अपनी कौम का मुस्तकबिल असातिज़ा के हाथ में दिया हुआ है, स्कूल्स के हाथ में नहीं दिया हुआ, वो तो इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे हैं पीछे बैठ के। तो टीचर्स अगर आपके मॉडर्न दौर की जो रिक्वायरमेंट है उस पर नहीं वो समझ रहे उसको, या उस नॉलेज को नहीं इनकलकेट कर पा रहे टाइमली, जिस रफ्तार से दुनिया चेंज हो रही है, टीचर की लर्निंग उस रफ्तार से अगर नहीं बढ़ रही है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान दुनिया से तो क्या अपने रीजन में भी मुकाबला नहीं कर पाए। आप मुझे एक बात बताओ कि एक बहुत अच्छे फिलोसोफर भी हैं जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिन्होंने एक बहुत कमाल बात की कि जो एक बच्चा है ना वो एक 2 पिलर्स के दरमियान है, एक टीचर और एक पेरेंट। आई थिंक अगर ये 2 पिलर्स डेवलप्ड होंगे, अगर टीचर्स हमारे माशरे में डेवलप्ड होंगे, मिसाल के तौर पर आई नो दैट लॉट ऑफ स्कूल्स जो हमारे टीचर्स की सैलरी वो एक एवरेज या बिलो एवरेज सैलरी कहलाई जाती है मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स में, हर एक गली नुक्कड़ पर एक स्कूल खुला हुआ है, हर कोई इसने हज़ारों टीचर ने भर्ती कर दी, बट वो उस तरह से सैलरीज भी नहीं है। ठीक है, आई एग्री, निज़ाम है, कोविड आया, बहुत सारे इशूज़ हैं, बट अगेन डेवलपमेंट पर काम होने की ज़रूरत है। ऑन दी अदर हैंड हमारे यहाँ बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जहाँ पर उनके पास अवेयरनेस नहीं है, इनफैक्ट पेरेंट्स को भी अब बात पता नहीं है कि बच्चे को किस तरह लेके चलना है। पेरेंट डेवलपमेंट पर काम क्यों नहीं करते स्कूल, और क्यों नहीं हो रहा है काम? समझ मेरा ख्याल है कि देखें पाकिस्तान हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि एक डेवलपिंग कंट्री है, कुछ लोग कहते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, मैं ये वर्ड कभी नहीं यूज़ करता। पेरेंट्स जो हैं यकीनी तौर पे उनकी प्रायोरिटीज़ के अंदर एजुकेशन कभी नहीं रही। अच्छा, आप जिस मॉडर्न दौर में मैं और आप रह रहे हैं, इस वक्त 2022 की हम बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग एक कमर्शियल रेस का हिस्सा बने हुए हैं, जहाँ पर हम लोग ये नहीं देख रहे कि, बल्कि एक मशहूर एक प्रोवर्ब मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि स्कोर फॉलोज एज यू स्टार्ट फोकसिंग ऑन द गेम। हम गेम पर फोकस नहीं कर रहे। हर पेरेंट ये चाहता है कि मेरा बच्चा कल कुछ बड़ा होकर डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इन्हें नटशेल वो ये कहना चाह रहा होता है कि वो पैसे कमाए, उसका माशरे में एक नाम हो, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए उसकी फाउंडेशन के ऊपर काम नहीं किया जा रहा। उसके ऊपर काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आइंस्टाइन ने कहा, आई नेवर टीच माई पीपल, आई ओनली अटेम्प्ट टू प्रोवाइड देम विद एन एनवायरमेंट इन विच दे कैन लर्न। बच्चा अगर लर्नेड होगा, अगर आपने बच्चे को एक स्किल सेट दे दिया उसके लर्निंग एज के अंदर, 12 साल के बाद तो आपके बच्चे की लर्निंग स्किल ही 40% रह जाती है। अगर आपने फाउंडेशन ही उसकी कमज़ोर खड़ी की, या आपने बच्चे को 12 साल की एज तक उसके असेसमेंट्स के ऊपर, उसकी रिपोर्ट कार्ड्स के ऊपर उसके सक्सेस को गेज किया, तो फिर बहुत ज़्यादा आगे चल के मुश्किल होती है। ये वही बच्चे हैं जिनको आगे जाके मिड लाइफ क्राइसिस का भी शिकार होना पड़ता है। ये वही बच्चे हैं जो हमेशा इस परेशानी में लगे रहते हैं कि अगर मेरा दोस्त डॉक्टर बन रहा है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, अगर मेरा दोस्त बिजनेस स्टडीज ले रहा है, क्यों? क्योंकि वो खुद कमज़ोर है, उसकी अपनी फाउंडेशन कमज़ोर है। तो अर्ली ईयर्स के ऊपर अगर बच्चों को, जैसा आपने कहा कि अगर हमारा टीचर ट्रेन होगा,
अगर हमारा टीचर ट्रेन होगा तो एक अच्छा जो बच्चा है उसका फ्यूचर ऑटोमेटिकली जो है वो गारंटी हो जाएगा। अच्छा, स्कूल्स की प्राइमरीली एक और बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूँ करियर ओरिएंटेशन एक बहुत बड़ा मौजू है। इस वक्त मेजोरिटी यंगस्टर्स का सबसे बड़ा इशू है, वो करना कुछ चाहते थे पहुँच के गए, कोई गाइडेंस नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है। आई थिंक स्कूल्स की एक मेजर जिम्मेदारी ये कि वो करियर काउंसलिंग पर, करियर गाइडेंस पर काम करे। आई बीन वर्किंग दिस इंडस्ट्री फॉर ऑलमोस्ट अ डेकेड और मुझे बात रियलाइज होती है कि एक सेमिनार करा दिया कुछ हो गया। इनफैक्ट काउंसलर्स की अगर बात की जाए, इमोशनल इशूज़ बहुत हैं बच्चों के। अगर मैं सवाल के दो पहलू देखूँ, एक तो करियर इशूज़ तो हैं, बच्चों को समझ नहीं आ रहा क्या करें। इनफैक्ट स्कूल्स मुख्तलिफ इदारों को बुला सकते हैं अपने स्कूल्स में कि भाई आइए बच्चों को बताइए कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, दुनिया कहाँ पहुँच रही है। अकॉर्डिंग टू पीटर डायमंडस वो ये कह रहा है 2022 से 2026 के दरमियान ये जो चार साल हैं इनमें जो चेंज आने वाला है वो पिछले 100 सालों से भी ज़्यादा है, इतना मैसिव चेंज है। बट आई थिंक स्कूल्स उस तरह से काम नहीं करें। मैं फिर वो इसी बात पर आऊँगा, करियर गाइडेंस पर कोई काम नहीं है। काउंसलिंग की बात की जाए यार, हर स्कूल में एक काउंसलर भी प्रॉपर नहीं है। बड़े स्कूलों में तो एक काउंसलर है, 1000 बच्चे हैं, 2 काउंसलर रखे हैं। भाई 1000 बच्चों की नीडिया 2 काउंसलर फुलफिल कर सकते हैं? इन मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स अगेन एज यू सेड कोई काउंसलिंग नहीं है, इस पर क्या कहोगे यार? समझ मेरा ख्याल है कि बिल्कुल देखें काउंसलिंग होनी चाहिए। अभी हम अगर पोस्ट कोविड की बात करें या आई डोंट नो कि कोविड गया है या खुदा ना खास्ता अभी रहेगा, कि देखें जो साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं बच्चों के उसके लिहाज से भी अगर आप काउंसलिंग की बात करें कि बच्चा एहसास महरूमी का शिकार होता है, आईफोन का दौर है, एंड्रॉयड का दौर है, बच्चा कंपेयर कर रहा होता है कि मेरे फादर मुझे किस गाड़ी में छोड़ते हैं, मेरे दोस्त के फादर किस गाड़ी में उसको ड्रॉप करते हैं। काउंसलिंग इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस जहाँ तक बात है करियर लैडर को देखने की, कि बच्चा कहता है कि मैंने मुस्तकबिल में क्या करना है। तो यकीनी तौर पर स्कूल्स का यहाँ पे एक रोल है, लेकिन मैं यहाँ पर आपके इस प्रोग्राम का फायदा उठाते हुए आई वुड लाइक टू टेक द अपॉर्चुनिटी स्कूल से रिक्वेस्ट करूंगा कि देखें अब दौर चेंज हो रहा है, अब आप 20th सेंचुरी में नहीं है, अब तो 21st सेंचुरी भी खत्म होने जा रही है। आपको ये देखना है कि बच्चे की जो फ्यूचर स्किल्स रिक्वायरमेंट है, जो फ्यूचर करिकुलम की रिक्वायरमेंट है, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। उसका सिर्फ एक तरीका है, कहा जाता है कि देयर इज ओनली वन कॉन्स्टेंट इन द वर्ल्ड विच इज चेंज। आप अपने आप को चेंज करें, और यहाँ पे चेंज से मेरी मुराद है कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। आप अगर कोई इंडस्ट्री रन कर रहे होते हैं वहाँ पे आपको काइजन इंप्लीमेंट करना होता है, ठीक है ना, हर वक्त चेंज करना है आपको, देखना है दुनिया में क्या हो रहा है। फिनिश करिकुलम पे आके या कैनेडियन करिकुलम पे आके बात खत्म नहीं हो रही है, करिकुलम भी एक चेंजिंग डॉक्यूमेंट है, रोजाना चेंज हो रहा है। पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे स्कूल ने इसको भी फैशन बना लिया है कि जी हम सर्टेन करिकुलम फॉलो कर रहे हैं। जनाब करिकुलम तो इटसेल्फ एक चेंजिंग डॉक्यूमेंट है, एक वर्सेटाइल डॉक्यूमेंट है। मैं तो कहता हूँ आप करिकुलम को महाना बुनियाद के ऊपर चेंज करें। दुनिया में जो नई चीज़ें आ रही हैं, आपके रीजन के अंदर जो इकोनॉमिकल जो पॉलिटिकल इश्यूज हैं, उनसे भी अपने बच्चों के करिकुलम को आप रिलेट करें। असल मेरा ख्याल है कि जो अगर आप रूट की बात करें समझ, तो मैं ये कहना चाहूँगा अगर हमारे स्कूल्स, अगर हमारे असातिज़ा बच्चों को सिर्फ सोचना सिखा गए कि दुनिया में रह के सोचना कैसे है, हम अशरफुल मखलूकात हैं, जो थॉट प्रोसेस है बच्चों का अगर उस पर उनको काम करना आ गया तो वो खुद डिसाइड कर सकते हैं कि मैंने बड़े होकर आर्टिस्ट बनना है, मैंने शेफ बनना है, मैंने कोरियोग्राफर बनना है। आप भी देखिए समझ कि आज के दौर में बहुत सारे नए वोकेशंस, बहुत सारे नए प्रोफेशंस आ चुके हैं। अब ये पुराना दौर नहीं है, डॉक्टर इंजीनियर पायलट वो दौर जा चुका है, अब तो बेशुमार नए प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। आप ई कॉमर्स की बात करें, कहा जाता है कि उसमें तकरीबन 13,000 फील्ड्स हैं ई कॉमर्स के अंदर, जहाँ पे आपका बच्चा जाके काम कर सकता है, घर बैठ के कमा सकता है। बच्चे को आप मोटिवेट करें, अगर आपका बच्चा यूट्यूब के ऊपर उसका इंटरेस्ट है अपना चैनल बनाने का, तो उसको ये ना कहा जाए कि भाई तुम अपना टाइम जाया कर रहे हो। प्रॉब्लम यही है ना, आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा स्कूल है जो यूट्यूब सिखा रहा है, कौन सा ऐसा स्कूल है जो बता रहा है कि भाई बच्चों कॉलेज तो पढ़ना है लेकिन साथ में ई कॉमर्स के ऊपर भी जाओ, अपने आप को इंडिपेंडेंट करो जाके, ताकि अच्छे स्कूलों की फीस अफोर्ड कर सको। कौन सा ऐसा स्कूल है जो कि बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग सिखा रहा है? अभी भी अगर हम बात करें, स्पोर्ट्स सिखा दिया, एक आध कम्युनिकेशन की क्लास करा दी, एक आध छोटा सा कुकिंग का शो करा दिया, एंड स्कूल ने कहा भाई हमारा काम तो हो गया। अगेन ये काम स्कूल्स को ही तो करना है। ब्लॉकचेन फ्यूचर है, क्रिप्टो फ्यूचर है, डिजिटल मार्केटिंग फ्यूचर है, अमेज़न फ्यूचर है, देयर इज नॉट अ सिंगल स्कूल। बात सवाल तो मेरा यही है ना कि भाई स्कूल्स काम क्यों नहीं कर रहे, इन पर कौन तवज्जो देगा, मतलब कौन आवाज़ उठाएगा? आप एक स्टेक होल्डर हो भाई, आप एक बहुत बड़ा कंसोर्शियम रन करो जहाँ पे आई थिंक वन ऑफ द फाइनेस्ट कंसोर्शियम इन कराची इफ आई बीन टू, मतलब आपसे मिलने का, आपको इंटरव्यू करने का वजह भी बने कि आप जो काम करें बड़ा ज़बरदस्त है, आपकी जो कॉन्फ्रेंसेज होती हैं उन पर इस चीज़ पर बात क्यों नहीं हो रही भाई?
समझ मेरा ख्याल है कि बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि ये तो एक वो नेकी है, ये तो एक वो काम है जिसको आप रेफ़र कर रहे हैं कि जिसको जितना जल्दी शुरू किया जाए उतना आसान है। और अगर हम वो कहते हैं ना, कबूतर अगर ख़तरे को देख के आँखें बंद कर ले तो ख़तरा टल नहीं जाता, तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँगा कि बिल्कुल हमारे स्कूल्स लैक करते हैं। प्लस ये कि यहाँ पर एक आपकी रियासत का बहुत बड़ा किरदार है। अगर आपकी गवर्नमेंट स्कूल्स को मैं थोड़े से इसका इकोनॉमिक आपको पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि इस वक्त जो प्राइवेट सेक्टर स्कूलिंग है, जहाँ फीस बढ़ने की बात होती है, जहाँ स्कूल की रेगुलेशंस की बात होती है, वहाँ स्कूल के हाथ पांव किसी हद तक बंधे हुए। जब भी वो कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता है तो उसके लिए फाइनेंस चाहिए। अगर आपकी हुकूमत, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत सिंध, फेडरल लेवल के ऊपर या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कोई ऐसे बजट लेके आए, कोई ऐसे आप बजट नहीं ला सकते, तो आप कम से कम स्कूल्स को टैक्स में रिलीफ दें ताकि वो इन चीज़ों के ऊपर काम करें। प्लस ये कि मैं आपको बताऊं कि 18 अमेंडमेंट के बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी हुई थी, एजुकेशन को प्रोविंशियल सब्जेक्ट बना दिया गया। अनफॉर्चुनेटली, प्लीज़ अलाउ मी टू से, कि हमारा जो प्रोविंस है वो एजुकेशन में सिर्फ इतना ही सीरियस है कि वो आपको ये बताता है कि ईद पे इस साल 4 छुट्टियाँ होंगी या 5 होंगी, ठीक है ना। इससे ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर कोई काम करने को तैयार नहीं है। ये वो ब्रूटल रियलिटीज़ हैं, ये वो टैबूज़ हैं जिनके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहता। ये तो प्राइवेट सेक्टर ही है जिसने अपने ऊपर पूरा का पूरा ये इतना हैवी वेट उठाया हुआ है आपकी एजुकेशन इंडस्ट्री का। आज अगर आपके बच्चे नासा में जा रहे हैं, आज अगर आपके बच्चे दुनिया में जाके किसी बड़ी फर्म में आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उठा के देख लें आप उनका रिकॉर्ड कि क्या वो किसी गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के गए। अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन के अंदर आपका जो पाकिस्तान है वो इंडेक्स के ऊपर, जो ग्लोबल इंडेक्स है उसमें 150 के भी बाद हमारा नंबर है। यानी ये हमारी प्रायोरिटी है एजुकेशन। तो मुझे ऐसा लगता है समझ कि आपकी जो पॉइंट्स आपने रेस किए हैं, दे आर वेरी वैलिड, बट विदाउट द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट, विदाउट द सपोर्ट ऑफ द रियासत वेयर वी आर लिविंग इन, आप इसमें नहीं परस्यू कर सकते उन गोल्स को, उन ऑब्जेक्टिव्स को जिनके ऊपर आप काम कर रहे हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि प्राइवेट स्कूल जितना हो सके अपने लेवल के ऊपर इन चीज़ों को अपने करिकुलम में इनकलकेट करें। और आज के मॉडर्न दौर में फुटबॉल खिलवाना या फुटसॉल खिलवाना या क्रिकेट, यहाँ पर आके बात नहीं ख़त्म हो रही है जब तक आपके बच्चे फ्यूचर स्किल्स नहीं सीखेंगे। आप ही के ऊपर कल को जाकर उन्होंने बोझ बनना है। ऐसे ही है, ऐसे ही भाई। आप प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, देखिए मेरा निशाना सारे प्राइवेट स्कूल्स नहीं है, बट अगर आप मेजोरिटी ऑफ द स्कूल्स को उठा के देखें, पहले एक कैंपस था, फिर 2 हुए, फिर 4 हुए, फिर अब 5 हुए। भाई ग्रोथ है ना, पैसा आ रहा है, वो जो कितना कंपाउंड इफेक्ट है, पहले 100 बच्चे थे, अब 200 है, अब 1000 बच्चों को, तो पैसा भी उस हिसाब से आ रहा है, बट सवाल है उस तरह से लग नहीं रहा। अगर मैं माजरा चाहूँ, हमारे क्वालिटी एश्योरेंस पे कोई काम नहीं है कि बच्चों की क्या क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। आप किसी भी कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में जाएं, आई बीन वर्किंग इन द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, आपका माशाल्लाह आपने MBA किया हुआ है, CBM से आपने खुद कॉर्पोरेट इंडस्ट्री को देखा है बड़ी गहरी निगाह से, एक क्वालिटी एश्योरेंस है। प्रोडक्ट को देखा जा रहा है, क्या प्रोडक्ट बाहर आ रहा है, कैसी पैकेजिंग है, क्या ब्रांडिंग है। हमारे यहाँ इस पर कोई क्वालिटी एश्योरेंस पे कोई काम नहीं है। स्कूल क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे, बस चल रहा है भाई, चल रहा है। स्कूल्स के अंदर खुद कोई डिपार्टमेंट नहीं है। सेकंड थिंग, अगर हम देखा जाए, एक पर्टिकुलर बजट डेजिग्नेट होना चाहिए टीचर्स डेवलपमेंट के लिए। अगर स्कूल 2000 भी फीस ले रहा है और उन्हें माना 200 रुपये भी टीचर के लिए डेजिग्नेट कर रहा है, तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। बट माजरत, ये हो नहीं रहा नासिर भाई, मतलब इस तरह से काम किया जा नहीं रहा है। नहीं, मेरा ख्याल है कि मैं अगेन एज आई स्टेटेड अर्लियर कि मैं आपके कुछ पॉइंट्स से ज़रूर एग्री करूंगा कि काम उस तरह से नहीं हो रहा है। अगर हो रहा होता तो आज आपके पास 22.5 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल नहीं होते। अगर हो रहा होता तो आज आपके पड़ोसी मुल्क, जिनका हम नाम नहीं लेना चाहते चैनल्स के ऊपर, चले आप श्रीलंका की बात कर लें, आप और ममालिक की बात कर लें, कि वो दुनिया से मुकाबला कर रहे हैं। जो आपके साउथ ईस्ट कंट्रीज़ हैं वो दुनिया से मुकाबला कर रही हैं और पाकिस्तान अपने रीजन में मुकाबला नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये है कि जी बिल्कुल, कुछ ऐसे नुकात हैं जिनके ऊपर हमें काम करने की ज़रूरत है। उसके अंदर टीचर्स की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है, जिसकी आपने निशानदेही कई बार की, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर हम इन चीज़ों को अपने टॉक शोज के हद तक महदूद रखेंगे, ये ब्रेक एंड मॉर्टर के रूम में हम बैठे हुए वहीं तक महदूद रखेंगे, तो काम नहीं होगा। जहाँ तक आपका ये पैगाम जा रहा है, जो एजुकेशनिस्ट इस बात को सुन रहे हैं, वो अपने जाके स्कूल लीडर्स से रابطہ करें, अपने कॉलेजेस की मैनेजमेंट से जाकर रابطہ करें कि ये जो पॉइंट्स हैं, जहाँ पे बात हो रही है फ्यूचर स्किल्स की, जहाँ पे बात हो रही है ई कॉमर्स की, पहले बात यूँ नहीं होती थी समद अब्बास साहब कि वो एग्जिस्ट नहीं करते थे। आज ये प्रोफेशंस, आज ये वोकेशंस, आज ये एवेन्यूज ऑफ गेटिंग सम कमर्शियल इंटरेस्ट वो एग्जिस्ट करते हैं। वो बच्चा जो कल को अच्छे पैसे नहीं कमाएगा, वो तो ज़्यादा साइकोलॉजिकल इशूज़ का शिकार होगा। क्यों? क्योंकि हम जिस कमर्शियल रेस में लगे हुए हैं, दुनिया से हमें मुकाबला करना है। आप देखिए, दुनिया में डबल डिजिट इन्फ्लेशन है पोस्ट कोविड वर्ल्ड के अंदर, कैसे आप उसका मुकाबला करेंगे? देखिए, मैं अगर आपकी सवाल का आप खुद ही जवाब देने की कोशिश करूँ, और हम इसी पर डिस्कशन को भी एंड करें, हर स्कूल के ओनर को, हर इदारे को पता है क्या रियलिटी है।
आज के दौर में ना कोई आंखें बंद करके ये नहीं कह सकता कि मुझे पता नहीं था जी, मेरे साथ बड़े मसाइल थे, मैं स्टक था। देखा जाए हर प्राइवेट स्कूल के उनके पास माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी गाड़ी है, बड़ा घर है, खुद अपनी ज़िंदगी में सेट है। सही है, स्ट्रगल है, मैं मानता हूँ कोविड में जो प्राइवेट स्कूल पर टाइम आया, कितने स्कूल्स बंद हुए, कितना रोज़गार गया, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि देयर आर सम स्कूल्स आर डूइंग एक्सेलेंट जॉब। बट अगर हम मेजॉरिटी की बात करें, मेजॉरिटी क्या रियलिटी है, काम किया जा सकता है, आई थिंक नियत नहीं है पहली चीज़ मुझे जो समझ आ रही है बात, कि लोग करना नहीं चाहते। सेकेंड थिंग, रियलाइजेशन नहीं है हमारे माशरे के अंदर, रियलाइजेशन बहुत मिसिंग है, ख़ास तौर पे अगर स्कूल्स की तरफ से, ख़ास तौर पे स्कूल ओनर की तरफ से ये रियलाइजेशन बिल्ड हो, आई थिंक तो बहुत काम अच्छा किया जा सकता है। मैं कंक्लूडिंग रिमार्क्स आपके लेना चाहूँगा कि आप क्या मैसेज देना चाहोगे भाई इन इदारों को, जो ख़ास तौर पर आप पर्सनली आप बहुत से इदारों को जानते हैं, आपको लोग बहुत फॉलो करते हैं, क्या मैसेज दार होती है आपके लिए? समझ, देखिए पहले तो मैं इस बात का ज़रूर जवाब देना चाहूँगा कि आपने स्कूल ओनर्स को रेफ़र किया। देखिए वो भी हमारी और आपकी तरह इंसान है, इस मुआशरे का हिस्सा है, जो थ्रू आउट कोविड सबको प्रॉब्लम रही, स्कूल मैनेजमेंट को या जो स्कूल रिप्रेजेंटेटिव से आप उनसे जाके अगर बैठ के बात करें कि उनको कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा। मैं एज एन एजुकेशनिस्ट, हम भी अपना स्कूल रन करते हैं, हमने भी बच्चों को 20% डिस्काउंट दिया कोविड में, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन से पहले दे दिया, और टीचर्स का हमने एक रुपया भी डिडक्ट नहीं किया। तो ऐसे भी स्कूल्स आपके मुआशरे में मौजूद हैं। कंक्लूडिंग रिमार्क्स में ज़रूर ये देना चाहूँगा कि देखिए स्कूल जो हैं, अगर वो फ्यूचर स्किल्स करिकुलम्स के ऊपर नहीं काम करेंगे तो आगे जाके आपके जो जो नेशन बिल्डिंग की जिम्मेदारी आपको मिली है हुकूमत पाकिस्तान, लेट मी से कि वो एजुकेशन देने में बच्चों को नाकाम हुई है, तभी प्राइवेट स्कूल्स का एक रोल सामने आया। अगर आपके स्कूल्स फ्यूचर स्किल्स नहीं डेवलप कर पाएंगे बच्चों में, और जो आप वोकेशनल ट्रेनिंग की बात करते हैं, बच्चों में लाइफ स्किल्स डेवलप करने की बात करते हैं, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। आप सिर्फ ये देख लें कि इस वक्त तरक्की याफ्ता ममालिक में क्या हो रहा है, आप उन चीज़ों को, अगर आप में इतनी ज़्यादा क्रिएटिविटी नहीं है, आप कॉपी पेस्ट करना शुरू करें भाई, इट्स सिंपल, इफ़ यू कैन नॉट लीड फॉलो समवन, आप उनको फॉलो करना शुरू करें। हमें हमारा अल्टीमेट गोल्स, मेरी स्कूल ओनर्स से, तमाम टीचर्स से रिक्वेस्ट है आपके प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से, कि हमें अपने बच्चों को आने वाले कल के लिए तैयार करना है। सबसे पहले उसका जो स्टेज वन है वो ये रियलाइजेशन है कि हम इस वक्त किसी बहुत अच्छी स्टेट में नहीं है, अगर सब कुछ अच्छा है तो रिजल्ट अच्छे क्यों नहीं है। तो बच्चों को हमें उन किताबों की दुनिया से थोड़ा सा बाहर लेके आना है, जो प्रैग्मेटिक वर्ल्ड है, जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, उसकी तरफ हमें लेके आना है कि अगर हमने बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दी तो वो कल दुनिया से मुकाबला नहीं कर सकेंगे, और वो जिम्मेदार समझ मुझको और आपको ही ठहराएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी फीडबैक का, एंड थैंक यू सो मच।